कांग्रेस का, एक साथ सारे हिंदुस्तानी राइट हैंड ऊपर करेंगे और बोलेंगे भारत माता की। तो आइए शुरू करते हैं म्यूजिकल फाउंटेन। आदरणीय नितीनजींच्या कल्पनेतून साकारलेलं हे नागपूरचं वैभव इनकी प्यारा प्यार घुटाला के यहाँ तक सारे सारा बोर्ड हो चुके हैं। कैसे इस संकल्पना को पूरी तरह से क्लियर किया है बताइए जरा प्लीज। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बैठाओ यार, बैठने के लिए जगह नहीं है इसलिए आप सब कहोगे कि आप नीचे आ जाइए। आइए डॉक्टर पटेल, सब लोग नीचे बैठ जाइए, वहाँ जो भी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा भी इस तरह क्षमा मांगते हैं क्योंकि ओवरफ्लो हुआ, लोग पास से नहीं पाते पहुँच रहे थे और मैंने आग्रह किया था कि सबको छोड़ दो तो आप नीचे आकर जरा यहाँ खड़े होकर कुछ लोग खड़े होकर देखिए, कुछ तो बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है शांति बनाई रखिए और कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी के मामले में, चिंता करिए। कॉम्प्लेक्स है और 9वें मंजिले पर रेस्टोरेंट और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जो ज्यादा पैसा दे सकते हैं वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ खा सकते हैं। जो तेलंगखेड़ी बगीचा है उसको हम सुंदर बना रहे हैं, उसके एंट्री पॉइंट पर 700 गाड़ियों का पार्किंग होगा और वहाँ से पैदल आकर आप म्यूजिकल फाउंटेन तक आ सकोगे। वो हमारे तेलंगखेड़ी बगीचे में करीब 350 कमल की जाति है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम शुरू हुआ है और इसके सामने विशेष रूप से जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ हमारे नर्सरी में गुलाब की जातियाँ इकट्ठा की है, करीब 3500 गुलाब की जातियाँ इकट्ठा हुई है और वो सब आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। वहाँ इसके पीछे में एक बहुत बड़ी चौपाटी बन रही है जो बॉटनिकल गार्डन के ऊपर है, सब काम अब शुरू हुए हैं और भी बहुत सी बातें हैं। जैसा हमारा टाइगर कैपिटल है, ऑरेंज सिटी है, ये हमारी विश्व में एक प्रतिमा है, वैसा ये म्यूजिकल फाउंटेन ये हमने देवेंद्र जी से मैंने चर्चा की है और उन्होंने स्वीकृति दी है, इसका नाम स्वर्गीय लता मंगेशकर म्यूजिकल फाउंटेन होने वाला है। ये जो आपको नागपुर का शो बताया जा रहा है उसमें भी कुछ सुझाव आए हैं और विशेष रूप से सबसे आखिरी में राष्ट्रगीत को भी रखा गया है और बाद में पानी के स्क्रीन पर स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और लता मंगेशकर जी का फोटो भी म्यूजिकल फाउंटेन का इसमें आएगा। इसमें अनेक प्रकार के कॉम्प्रेस कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है इसकी अंग्रेजी कॉमेंट्री अमिताभ बच्चन जी ने दी है निःशुल्क, मराठी कॉमेंट्री नाना पाटेकर जी की है और पिछले 2 दिन में जो हुआ इसमें हिंदी कॉमेंट्री गुलजार साहब की थी। इसका जो शुरुआत में संगीत है वो AR रहमान साहब ने बनाया है, बहुत सुंदर है और इसके साथ साथ इसका जो पूरा काम जिन्होंने किया वो रेवती करके तमिल और तेलुगु फिल्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री है उन्होंने किया है। नागपुर में हमारे भाऊ सालपेकर एक अच्छा सुझाव हमारे जिलाधिकारी ने दिया है कि हमारे इसको पूरी 1 MW पावर लगती है, इसका 24 लाख रुपये महीने का बिल है। तो हम लोग पानी के अंदर एक फ्लोटिंग सोलर पैनल डालने की बात उन्होंने सुझाव दिया है। अब मैंने कहा कि ये फ्लोटिंग करने के बजाय रूफटॉप सोलर का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बीच में हो और नाव में बैठकर लोग वहाँ खाना खाने के लिए या रेस्टोरेंट में जा सके ऐसी व्यवस्था हो। या वाटर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ से अंबाझरी में हम लोग रोप लगा कर लटकते हुए हिंगना तक, ये हमारे हल्दीराम वाला जो वहाँ से लेकर उसकी योजना है और अंबाझरी में भी स्वामी विवेकानंद जी के लाइट एंड साउंड शो का भी काम जोरों में शुरू है, 1-3 महीने में उसका भी इनॉग्रेशन हम करेंगे। बहुत खुशी है कि आप सबके सहयोग से ये हो रहा है। इसमें नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने म्यूजिकल फाउंटेन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसे दिए और बाकी पैसा सेंट्रल रोड फंड से मेरे विभाग से लाकर हमने ये काम पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इसका आनंद लीजिए।
Thank you.
इतिहासाला आधी अंत नसतोच. इतिहासाची एक सुरुवात शोधायला गेलो तर आणखीन एक सुरुवात सापडते. प्रत्येक सुरुवातीच्या आधी अशा कितीतरी सुरुवात वाटाव्या अशा घटना सापडतात. क्षितिजाला पकडायला जाण्याचा प्रयत्न करण्यासारखा आहे, कधीही हातात येत नाही, पुढे पुढे जात राहत. कुटाळा तलावाच्या काठावर बसून जर आपण नागपूरच्या इतिहासाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला तर बघूया आपण कुठवर जातोय ते. नागपूर हे नाव पहिल्यांदा 1940 म्हणजे 1940 AD मध्ये वर्धा जिल्ह्यातल्या देवडी गावात एका ताम्रपटावर कोरलेलं आढळलं. पण नागपूर हे नाव आलं कुठून? इतिहासात त्याचे दोन दाखले सापडतात. एक तर हे गाव किंवा शहर जे काही असेल त्यावेळी नाग नदीच्या किनाऱ्यावर वसलं होतं, यावरून याचं नाव नागपूर असं पडलं. किंवा दुसरं असं की नाग नावाची आदिवासी जमात इथं वास्तव्य करत होती, त्यावरून त्याचं नाव नागपूर असं पडलं असावं. रामायणामध्ये असा उल्लेख आहे की विंध्य आणि सातपुडा पर्वतांच्या रांगांमध्ये एक घनदाट जंगल होतं जे दंडकारण्य या नावानं प्रसिद्ध होत. यात नागपुराचा समावेश होता आणि हे विदर्भातलं एक महत्वपूर्ण शहर होत. 250 मध्ये वाकाटक वंशाचा राजा बिंदुशक्ती त्यानं विदर्भात आपलं राज्य स्थापन केलं. त्याच्यानंतर त्याचा नातू रुद्रसेन द्वितीय यांनी सुवर्णयुगातील चंद्रगुप्त द्वितीय याची मुलगी प्रभावती सोबत विवाह केला. उन्हात आहे असाच भासवाला.